क्या तेरे साथ में संतान थी उधर में कहां है? देवकी ने कही क्या थी कि भैया छह माते हाथ दे तो मेरी चीज जान ले सात और मरेगा डरते हैं। तो कंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, देख तोते व्यर्थ हो रही है, छह माते हाथ दे सात और मरेगा डरते एक और रह गए बस, जय मार के तभी चैन की सांस लूंगा। सोता बंधु अब भगवान विचार करते हैं क्षीर सागर में कि अब की बार नंबर है हमारा। अब सब श्रोता बंधु ध्यान से सुनो, भगवान के जो 108 नाम हैं उनमें एक नाम है अजन्मा। अजन्मा अजन्मा मीन्स जन्म होता ही नहीं। अच्छा जब जन्म नहीं होता इसीलिए उसका मरण नहीं होता, और प्रकृति का यह नियम है जो जन्मेगा वो मरेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा, और भगवान का न जन्म है न मरण है, इसीलिए उसका नाम है अजन्मा। और एक बात और सुनो, किसी को पुरस्कार दो या मान पक्ष के रिश्तेदार को भेंट दें, 50 रुपए दे रहे हैं तो एक रख रहे हैं, 100 दे रहे हैं तो एक रख रहे हैं, 500 दे रहे हैं तो एक रख रहे हैं, जब 500 ही दे दे तो वह गिरनी कर पाई एक की जरूरत का है। देख लेना गूगल पर सर्च करके देख लेना, किताब में पढ़ लेना, जो 108 नाम है भगवान के उनमें एक नाम जो है छोटी एक का कबूतर एक, ये नाम भगवान का है, एक नाम भगवान का है। इसलिए अगर किसी को तुम पैसा देते हो तो भगवान को साक्षी मान के दिया जाता है, भगवान को समर्पित करके दिया जाता है, एक नाम भगवान का है। और इधर विचार करना कि जब जन्म ही नहीं होता तो फिर देवकी के गर्भ में कौन आया? रामचरितमानस को खोल के पढ़ लेना, भरत जी का और लक्ष्मण जी का शत्रुघ्न का जन्म लिखा है, राम के लिए लिखा है, प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं। प्रकट होना और जन्म होना अलग अलग चीज है, अलग अलग है। और इसी बीच में अंकुर यादव भिदौनी से 151 रुपए का पुरस्कार आया है, हमारे लिए धन्यवाद। लेकिन अब बात यहां आती है, परीक्षा अधिपति जी ध्यान करें कि जब जन्म ही नहीं होता तो फिर आठवें गर्भ में कौन आया? ये हरिवंश पुराण में लिखा आया कि आठवें गर्भ में कुछ नहीं था, केवल एक माया का गोला बना था बस, हवा का, जिससे देवकी के उस उदर को देख करके कंस को यह पता चल जाए कि आठवीं संतान होगी, कुछ नहीं था वहां। और देख लेना भागवत जी में भी भगवान के लिए प्राकट शब्द लिखा, प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिखा है, और जन्म होता ही नहीं है, अगर जन्म होगा तो मरेगा भी, प्रकृति का यह नियम है। और देख लो भागवत को देख लेना, रामायण को देख लेना, आज तक कहीं ये नहीं लिखा कि राम के शरीर का दाह संस्कार किसने किया और कहां हुआ, ऐसे कृष्ण के शरीर का दाह संस्कार कहां हुआ और किसने किया। यहां तक लिख दिया है कि जिसने दुनिया बनाई है ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जी भी 14 भवन की सब श्रुतियां सहित बंद हो गए जिस समय भगवान अपने धाम को गए। ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा है। तो राजन परीक्षित, आठवें गर्भ का जब समय पूरा हुआ था वो महीना कौन सा था और वो तिथि कौन सी थी और दिन कौन सा था? भादो महीना लगो अरे अस्थि मातबो बुद्ध दिन छाया। गुरुदेव भादो का महीना था, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था, बुधवार का। जब सूर्य करो प्रकाश रे सोई तरद मात के लगो
धमकाया और गंगा जी के शुकर काल में परमहंस ने समझ आया आत्म बालक में किया और मेरे हाथ बुद्धि मरा व्यासपीठ के माध्यम से एक आया है कालीचरण सिंह घोड़ा वाले भिदौनी से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। ध्यान रखना सुबह से शाम का वक्त हो गया पर संतान नहीं जन्म। अब संतान जन्मे तो तब तक संतान होए, लेकिन ध्यान रखना एक दासी ने जाकर के कही कंस से, महाराज तुम्हारी बहन का मोहिमा देख रहे सवेरे दिन, अब ऐ संतान नहीं भाई। कंस ने पहरेदारी बढ़ा दी, एक रह तो ता दस दस है ता सौ सौ है ता एक हजार है ता दस हजार। सावधान जाई नंबर में आवे, अगर कोई सो गया पहरे पर तो फांसी लगा दूंगा। ऐ भैया दरवाजे पे कुढ़ारी फस्सा पामरे सांकी है, द्वार के द्वार भरे डरे। ओ लल्लू तुम बैठ जाओ, काय घबरा रहे हो, पैदा तो है जानदो, हजारों टुकड़ा उड़ा देंगे तब तुम्हें खबर देंगे। अब विचार कर लो मन में, जा कंस की काया में 22,000 हाथी को बल है, वो तो बालक पैदा ना होता तो पहले कहां पर रोए। अब वो लठिया बाबू का कह रहा मैं हत्ता हूं, चिंता ही मत करो। ठकुर स्वाई कह रहे हो श्रोता बंधु, जब रात्रि का वक्त बढ़ रहा था एक कोण में बस्ते बंधे हुए थे और एक कोण में देवकी बंधी हुई थी, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी थी। अब विचार करना, जब मैया के संतान जन्म लेने वाली हो और तब महतारी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी हो, वह मैया की हालत क्या होगी, क्या हालत होगी। लेकिन जैसे ही कंस को पता चला कि अब रात हो रही है और इतना समय हैगा वह तो खतरा है, अब ही संतान ना है भाई तो अब खतरा है, तो तलवार हाथ में पकड़ी है वह पापी ने। और कितना गलत कर्म करता था, जहां धरती पर महतारी पड़ी हुई थी और एक कोण में बसदेव थे और एक कोण में देव के, तो वो पापी करता क्या था। देवकी ने दोनों हाथ जोड़े साथ पड़ रही थी, भैया माती बोले करुही बोली और ताती बोले दरोही मिसाती बोली। Oh, no.
सुनो अच्छा है भैया, सुना से दर्द हुआ है, संतान पैदा नहीं हुई। आज देव की जब रोई है और वो पापी धमका रहा कारावास में, मुझे देना। आधी रात का वक्त होने जा रहा है, पुरवाई हवा चल रही थी, पानी मांगा है, पानी मांगा है बसदेव से, और बोली किस तरह से है, जी।
तेरा शरीर अब हिल नहीं रहा है, मैं तुझे पानी तो नहीं दे सकता, केवल तुझे एक अकल बता रहा हूं देवकी, अब तेरा मददगार दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। भगवान मदद को तब आता है तब कोई दुनिया में मददगार नहीं रहता। अच्छा दूसरी बात यह है कि हम तुम पर याद ही तब करते हैं तब कोई ना दी तब तो देवकी ने भजन किया है परमेश्वर, हे समदृषि, हे सनातन, हे सर्वज्ञ, अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं। पूरी दुनिया सो गई, अब कोई नहीं जगा। जब कोई नहीं जग रहा था और तब एक आवाज आ रही है आकाश मंडल, और वो आवाज जो आई है, जितने भी कथा पंडाल में बैठे हो और मेरे ठाकुर जी से जिसको प्यार हो वो सब बोलना। चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म चारों आयुध हाथ में लगे हुए हैं। वसुदेव और देवकी जेल में बंधे हुए हैं और भगवान खड़े हैं और कह रहे हैं मैया मामा है वो तो अभी बुला ले, तैसी लड़ाई आज होनी हो तैसी कर ले होनी, पर वे दोनों समझना और उसी समय बाल रूप धारण किया, छोटा रूप बाल रूप धारण करके अपनी मैया की गोद में गिर गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए। अब देवकी कह रही है वसुदेव से, सुनतनाओ तुम्हारी सब देखो छह माते आते सात मरी को डरते, और जितो लला बेसू सब अलग बहु है तो तुमने के जाए कैसी बचाए ना ले। वसुदेव ने की का पागल है गई, तुम्हें जेऊ मालूम है क्या जे हाथों में हथकड़ियां सो इतनी कही पाए तो झटका मार के खुल गई, पैरों में बेड़ी है बेड़ी खुल गई। वसुदेव ने की बिच्चो कहां ले जाऊं,
देवकी बोली तुम्हारी समझे जमुना जी के पल्लंगा इन्नु के नगर आए छोड़े यो कोई पालिए ले रही अब ले तो तब जाए तब प्यारेदार बहुत हुए जो वसुदेव ने नजर करी बार तो पहरेदारी पे पुराने पुराने लठ लय जानकी प्रसाद और सुरेश नेता जी ताड़े दो लो जो जब मुड़त ऊंचे लठ अब लठ तो टिक गए थोड़ी तो न्या के तय रह गए तकाई तेजी कोई बीच में से नबी गो बुन्न भोई रह गई हाथी की सूड़ ऊपर उठ गई तो उठिए रह गई कुत्ता की जीव निकल गई तो निकल ही रहेगी बैठो सो बैठो रहो टाड़ो सो टाड़ो रहो बस देव ने की बच्चों में काम मालूम पता का सब सो गए ले जाओ ले जाओ तो ध्यान रखना ये झांकी के रूप में बना लिया है न तो वहां पला था न सूप था कुछ नहीं था। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि वसुदेव जी अपने हाथों पर लाए थे उस बेटा को हाथों पे तो चलो जो वसुदेव बने हो लला लाव बुला के वसुदेव जो बने वो कन्हैया को लेकर के आए चलो भैया जी हम